हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं कि लिस्ट एचटीएमएल में कोई लिस्ट बनाना हो, जैसे आपने अगर वर्ड चलाया हो एमएस वर्ड, तो उसमें क्या होता है आपका बुलेट फॉर्म में या 1 2 3 4 इस तरह से, या ABCD या रोमन फॉर्म में आप जो है कोई भी बुलेट लिखते हो, ठीक है, पॉइंट्स लिखते हो, तो कैसे उसको हम एचटीएमएल में जो है अपना कोड करेंगे, किस तरह से हम वेब पेज में इसको डिजाइन करेंगे, हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हम दो टाइप के लिस्ट यूज करते हैं अपना एचटीएमएल में, पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारा टैग होता है वो ओएल टैग होता है, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपका आता है एलआई टैग, एलआई मतलब होता है लिस्ट आइटम। ये सपोर्टेड में यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक काम करते हैं, कंप्यूटर का मैं पार्ट लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ CPU, देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ, CPU हो गया, देन हमारा इनपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, देन मैं स्टोरेज मान लेता हूँ बस 4 रखता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन कराता हूँ, प्रोजेक्ट रन करा दिया, मैं फाइल रन कराना है, ठीक है, मैं यहाँ रन कराया इसको, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बुलेट के फॉर्म में हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ये बुलेट आया है वो आपका 1 2 3 ना आ करके ABCD आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ओएल टैग में जो है आपका प्रॉपर्टी जो बोलते हैं एट्रीब्यूट जो होता है, वो दो टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है हमारा टाइप और एक यहाँ पर यूज होता है ओएल टैग में स्टार्ट, ठीक है। अभी मैं दोनों को बताता हूँ क्या होता है, पहले टाइप देखते हैं। टाइप में क्या होता है, सपोर्टेड मुझे जो है नंबरिंग थी वो ABCD में चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए यूज करूँगा। जब कैपिटल ए आप यूज करते हो, देखो आपका जो आउटपुट जो है आपका ये कैपिटल ए में आ गया, ठीक है, कैपिटल ABCD इस तरह से कैपिटल में आ गया, अल्फाबेट में कैपिटल। अगर स्मॉल में करते हो तो आपका क्या होगा, ये आपका वो स्मॉल में आ जाता है। इस तरह से अगर आप आई यूज करते हो, स्मॉल आई यूज करते हो, तो रोमन में आप जो है आप आ जाएगा इस तरह से, स्मॉल रोमन में। इस तरह से अगर आपको कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल आई यूज करोगे, तो यहाँ पर आपका कैपिटल आई आ जाएगा, कैपिटल रोमन रोमन में आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर आता है कि स्टार्ट, स्टार्ट मतलब जैसे सपोर्टेड आपको नंबरिंग जो है 1 से नहीं स्टार्ट करनी थी, आपको नंबरिंग जो है 4 से या 5 से 6 से जहाँ से स्टार्ट करनी है, सपोर्टेड मैं चाहता हूँ कि नंबरिंग जो 4 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर देखोगे तो नंबरिंग आपका 4, देन 5 6 7 इस तरह से नंबरिंग आपका चल रहा है। इस तरह से अगर मान लो सपोर्टेड मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, तो 1 में आपको बाई डिफॉल्ट 1 2 3 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, नंबरिंग आपने 4 से स्टार्ट की है, तो अगर आपको आपको 10 से करना तो आप 10 लिख दो, कोई बात नहीं, 10 से आप 10 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओएल टैग होता है, ओएल टैग के अंदर एलआई टैग होता है, याद रखना आप लोग, ओएल टैग के अंदर डायरेक्टली एलआई टैग आना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर कोई और टैग आप लगा के रखे हो, ठीक है, देन एलआई टैग लगा के रखे हो, तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये होता है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में हम यूज करते हैं यूएल टैग, यूएल टैग बस, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम होती हैं, जैसे आप यहाँ पर यूज करते हो, ठीक है, एल आई जैसे यूज करते हो सेम होता है, बस ओ ओ एल को आप यू एल में कन्वर्ट कर दो, बाकी सेम चीज़ें रहेंगी। अब देखो इसमें आपका जो हो जाएगा वो आपका बुलेट फॉर्म में ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। बुलेट का भी आप अलग अलग टाइप कर सकते हो, जैसे आपका यहाँ बुलेट आपका एक होता है, यहाँ पर चेंज करना है तो टाइप इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आप अगर आप सर्किल करोगे, सर्किल, तो आपका यहाँ पर सर्किल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आप डिस्क करोगे, डिस्क करोगे तो डिस्क में आपका इस तरह से आ जाता है। तो ये तीन चीज यूज कर सकते हो, डिस्क, सर्किल या स्क्वायर, अगर आपको जो चाहिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी अगर बुलेट चाहिए, उसके लिए हम CSS में देखेंगे। CSS में हम बुलेट के यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपको इमेज यूज करना या कोई अदर टाइप का बुलेट यूज करना। जनरली आप स्टैंडर्ड वेब पेज में देखोगे तो उसमें ये नॉर्मल बुलेट जल्दी लोग नहीं यूज करते, कुछ स्टाइलिश बुलेट यूज करते हैं थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इस तरह से हम
अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं सी कार्ड, हम अभी ये इस तरह से लिस्ट यूज करेंगे, तो ये ओएल डे हो गया, इस तरह से यूएल डे हो गया। सपोर्टेड मुझे जो है सब लिस्ट बनाना है। सपोर्टेड यहाँ पर सीपीयू के अंदर हमको कैटेगरी दिखानी है, कैटेगरी मतलब हमको इसका सीपीयू के अंदर के पार्ट दिखाएं। जैसे आपका सीपीयू के अंदर क्या होता है, आपका एएलयू होता है, देन सीयू होता है, देन एमयू होता है। तो ठीक है, तो हमको सब लिस्ट बनानी है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, कैसे यूज करूँगा, सब लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर सब लिस्ट बनानी है उसके जस्ट बाद आप यूज करोगे एक और टैग ओएल, चाहे ओएल यूज करो चाहे यूएल यूज करो, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ यहाँ ओएल यूज कर रहा हूँ, तो एलआई यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एएलयू, इस तरह से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर सीयू, देन एमयू, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखोगे आप, ये इसकी सब लिस्ट बन गई है। ठीक है, सब लिस्ट का टाइप आप मान लो सपोर्टेड था, टाइप सॉरी टाइप जो है वो मैं आई देता हूँ, तो ये आपका ये आई हो जाएगा। ठीक है, आई मतलब इस आपका रोवन में चला आएगा। जरूरी नहीं आप ओएल यूज करो, आप यहाँ पर यूएल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस टाइप यहाँ पर आपको जो भी देना, मान लो सर्किल देना है तो सर्किल यहाँ दे दो, तो यहाँ पर इसका ये सब वो आपका सब लिस्ट आपका बन जाएगा। किसी का और भी सब लिस्ट बनाना है तो मान लो इसके अंदर भी कुछ बनाना है सब लिस्ट, तो फिर यहाँ पर आप दे सकते हो, आप वही सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट करोगे। ठीक है, मैं केवल दो बना देता हूँ यहाँ पर, कुछ भी सपोर्टेड ALU1 ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बना देता हूँ। ALU1 कुछ ऐसा नहीं होता है, दे मान लो ALU2। ठीक है, तो ये देखो ये उसके अंदर भी सब लिस्ट बन गया। कुछ बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ये देखो सर्किल के अंदर स्क्वायर आ गया, ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर ही आएगा, आप जो है अपने हिसाब से इसको भी चेंज कर सकते हो। वहाँ पर टाइप, यहाँ पर सपोर्टेड में यहाँ पर इसका टाइप जो चेंज करना चाहता हूँ वो मैं डिस्क करना चाहता हूँ, तो ये आपका ऑटोमेटिक ये डिस्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो हमने देखा कि किस तरह से हम लिस्ट बनाएंगे, किस तरह से सब लिस्ट बनाएंगे। और एक एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सपोर्टेड मुझे इसके अंदर इसकी फॉन्ट स्टाइल है सब कुछ चेंज करना, तो याद ध्यान देना कि आप मतलब बी टैग लगा रहे हो, तो बी टैग यहाँ नहीं लगा सकते हो आप। बी टैग लगाने का तरीका क्या होगा, आप इसके एलआई के अंदर जो कंटेंट को आपको चेंज करना, तो एलआई के अंदर ही आप बी टैग लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज करोगे, मैं यहाँ पर स्मॉल लिख दिया, स्मॉल कैप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका देखो सीपीयू यहाँ पर ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से कोई भी फॉन्ट अप्लाई करना है तो फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। लिस्ट को आगे हम देखेंगे जब हम मीनू बनाएंगे, तो मीनू में बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका लिस्ट का। ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट के थ्रू मीनू बनाते हैं। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।